मुग्धा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी किसी तरह सब्जी चलाए जा रही थी। तभी उसी का देवर राज वहां पानी पीने आया। उसने मुग्धा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, मुग्धा ने कमजोर आवाज में कहा, सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई है, बस कल की बात है। अरे लेकिन राज की फिक्र कम नहीं हुई थी? मगर मुग्धा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी, मुग्धा की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए राज ने उसके हाथ से वेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना ना ना, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। मुग्धा बैठने वालियों में से नहीं थी, वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। मुग्धा का पति विनय कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। मुग्धा का 21 साल का देवर राज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विनय जैसा प्यार करने वाला पति पाकर मुग्धा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्चा अच्छे से निकाला था। सास ससुर गांव में रहते थे, देवर राज अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब मुग्धा 35 साल की हो चुकी थी, अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो ना चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वो अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी, राज ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। मुग्धा ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा जिसका शोर मुग्धा आज तक नहीं भाप पाई थी। राज की गर्दन धीरे से मुग्धा की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से मुग्धा की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उबारे को देखने लगा था। मुग्धा की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते से वैसे राज के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम, बर्तनों की आवाज बंद जानकर मुग्धा ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। राज हक्का बक्का गया और बोला, हाँ भाभी बस हो ही गया। कहकर राज ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। मुग्धा ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी राज की जीत पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद मुग्धा सोने जाने लगी तो राज बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा, मुग्धा ने मना किया, लेकिन राज कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ। भाभी जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया, कहता हुआ वह निकल गया। मुग्धा ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। राज ने तय कर लिया था कि आज वो अपने मन की
करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है राजबाबू? केमिस्ट ने राज को खोया सा देखा तो पूछा। राज का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहती थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वो उसका पुराना दोस्त था। राज मुस्कुराकर उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए ये तो बता। राज को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली दे देना। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद ही मुग्धा के उसका दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले ले कर बातें किया करता था। उसने राज के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। राज ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ। तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। राज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज है। अबे क्या बकवास कर रहा है? राज के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। राज उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही मुग्धा ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी आइए अंदर चलिए, राज ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। मुग्धा अपने कमरे में आकर लेट गई। राज ने उसे पहले बुखार की दवा दी। मुग्धा दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राज ने उसे रोका, भाभी अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी लेकर आए हो भैया? मुग्धा ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए मैं लगा देता हूँ, कहकर राज ने उसे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुग्धा को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दी। राज उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसे ने पुष्टि करने के लिए मुग्धा को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। राज ने उसके चेहरे को हिला डुलाकर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। राज की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ मुग्धा के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विनय मुग्धा की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राज थककर चूर चूर हो कर मुग्धा से बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। राज बेशर्मी से बड़बड़ाया और मुग्धा की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। मुग्धा अब तक धीमे धीमे करहा रही थी। राज पलंग से उतरा और खुद ही भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दरार पर गई। भूल से मुग्धा अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। राज ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक
उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें मुग्धा ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ भाई आई, उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी राज को कानूनी रूप से गोद लूंगी। राज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर मुग्धा के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा, भाभी मुझे माफ कर दो, या क्या हो गया मुझसे? अचानक राज का ध्यान मुग्धा के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और मुग्धा का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर राज उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे मुग्धा की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। मुग्धा के सिर में जैसे करंट लगा, वह सवालिया नजरों ने उसे देखने लगे। तभी इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपका देवर राज की लाश पास वाली नदी से मिली है, उसने रात को खुदकुशी कर ली। मुग्धा का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राज के मोबाइल फोन में कैद मुग्धा की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलिया मनाते हुए ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीर देखकर मुग्धा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ ना पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चल गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ में छटती गई। विनय का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं, लेकिन मुग्धा बस सुनती रही। उसकी सुनी आंखों के सामने राज का बचपन चल रहा था। जब वह नई नई इस घर में आई थी, दोपहर तक विनय लौट आया और भागते हुए मुग्धा के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी सुन में ताक रही थी। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मुग्धा का शरीर एक और लुढ़क गया। मुग्धा मुग्धा चीखता हुआ विनय ने उसे झकझोरे जा रहा था, पर मुग्धा कभी न जगने वाली नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें।